वाले ब्रेक में रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है ना ऑटोमेटिक, एक्सीलेटर छोड़ने पे हल्की ब्रेकिंग लगती है, उससे बैटरी थोड़ी चार्ज होती है। पीछे वाले जी, ये 6 सीट वाली इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है मैंने, इस पे एक साथ 6 लोग बैठ के कहीं भी आ जा सकते हैं और काफी दूर तक आ जा सकते हैं। इसकी रेंज जो है 150 किलोमीटर के करीब है, एक बार चार्ज होने में 150 किलोमीटर जाती है जी। जी दिमाग में ऐसा है कि जो दिन ब दिन प्राइस पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, हर कोई इसके पेट्रोल नहीं खरीद पा रहा है, तो ये हमारे दिमाग में है कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जो एकदम सस्ते सस्ता हो और गांव का हर आदमी यूज़ कर सके। इसलिए कि मैं भी किसान के घर से आता हूँ तो पेट्रोल खरीदने में दिक्कत होती है, इसलिए दिमाग में आया कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जो है बहुत सारे लोग इस सस्ते में आ जा सकें। कितनी लागत लगी होगी? जी इसको बनाने में मुझे करीब 10 से 12 हज़ार रुपये की लागत लगी है और सारे सामान जो है मैंने पुराने यूज़ किए हैं कबाड़े से लेकर। कितने दिन लग गया बनाने? जी करीब 1 महीना लग गया है इसको बनाने में। आप क्या चाहते हैं? जी मैं यही चाहता हूँ कि ये इसको कमर्शियली बनाकर जो है सबको दिया जाए, बेचा जाए और कम से कम दाम पे, ताकि हर कोई इसको गांव का रहने वाला अफोर्ड कर सके और वो इसको यूज कर सके। इसको आप पेटेंट करेंगे? जी हम देख रहे हैं उसका जो भी प्रोसीजर है पेटेंट कराने का सरकार से, तो उसको हम पूरी कोशिश करेंगे पेटेंट कराने का और कराएंगे। काफी लोगों ने सराहा इसको, आपका वीडियो वायरल हुआ था। जी 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 इसको आनंद महिंद्रा सर ने जो है ट्वीट किया था अपने ट्विटर पर और भी लोगों ने इसको ट्वीट किया था, कुछ बड़े लोगों ने, तो मुझे काफी अच्छा लगा और उनकी वजह से ये काफी शेयर हुआ और लोगों का आइडिया काफी पसंद आया और उस वजह से वीडियो वायरल हो गई। आपने पढ़ाई क्या करी? जी मैंने 12th के बाद जो है 12th तक पढ़ाई की, उसके बाद ITI इलेक्ट्रिक से किया है और अभी BCA में कर रहा हूँ। जी मेरे घर वालों का शुरू से ही सपोर्ट रहा है और उनको काफ़ी अच्छा लगता है ये सब चीज़ें देख के, और उनको काफ़ी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, और मैंने बहुत सारी ऐसी और भी इलेक्ट्रिक बाइक बनाई है तो उनका सपोर्ट शुरू से रहा है, वो हर तरह से सपोर्ट करते हैं। चावल बैठना चाहिए था ना इस पे। देखो तो बैठो बेटा, उसी बैठो पीछे। सर अभी इसके बारे में तो मतलब एक बहुत अजीब सी चीज़ बना दिया है लड़के ने, और इसके बारे में हम लोग पूरे गांव के लोग खुश हैं कि नए प्रतिभा है, लड़का अच्छा प्लेटफॉर्म मिले तो लड़का आगे जाए, और ये आप लोगों का काम है इसको अच्छा प्लेटफॉर्म दिलाना, अच्छे प्लेटफॉर्म देगा ताकि इसके अंदर का जो टैलेंट है वो बाहर खुल के आए, अच्छे प्लेटफॉर्म पर अपना टैलेंट को दिखा सके। बहुत खुशी की बात है, लड़का जो आगे तरक्की करे। इसने 6 लोगों की, 6 लोगों की साइकिल बनाया है, 6 आदमी बैठ के जा सकते हैं सटिया मुबारकपुर भी, और कम 100 किलोमीटर जा सकते हैं इस पे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, हमारे गांव का लड़का है, हम लोग बहुत खुश हैं इससे। तो बेटा बनाता रहता है। हाँ बेटा आगे जाओ और तरक्की करो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और लड़का काफ़ी मेहनती है, बचपन से ही वह यह सब काम करता है और कई मोटरसाइकिल बनाया है जो पेट्रोल से बैटरी में कन्वर्ट किया है, और ये भी बनाया है 6 सीटर। तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे उम्मीद है कि
लड़का आगे बढ़ेगा और आप लोग सहयोग करें जिससे हमारे राष्ट्र का नाम हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम हो और हम सब आगे बढ़े। ये एक बाइक बनाया है, छह सीट है ना, छह सीट है और पेट्रोल की इतना महंगाई के हिसाब से बहुत बेहतरीन चीज बनाया है। मैं समझता हूँ कि हर इंसान इसी को इस्तेमाल करे, इंशाल्लाह ये भी तरक्की करेगा बनाते वक्त। कितने दिनों से आप देख रहे हैं इसको बनाते? मैं इनको बचपन से देख रहा था, छोटे छोटे खिलौना बना रहा था, बनाते बनाते आज जो है हाल पे पहुंच गया कि अच्छी चीज बनाने लगा।